बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर, आप सबका अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ घंटे के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मलेशिया की बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों तक पहुँचती रहें। और जिन दोस्तों ने अभी फॉलो नहीं किया तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज मैं दो टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, एक तो मलेशिया का कॉलिंग वीज़ा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं कि सर कॉलिंग वीज़ा जो मलेशिया का है वो ओपन हुआ है कि नहीं। और दूसरा जो मैं जहाँ जो मलेशिया में अभी रिहेयरिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ है उस पर बात करूँगा। आज दो टॉपिक पर बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, बहुत सारे जो दोस्त कमेंट्स कर रहे होते हैं, एक तो वो वीडियो पूरी देखते नहीं हैं फिर वो कमेंट्स करने लग जाते हैं। तो मलेशिया के जो जितने वीज़े हैं, कॉलिंग वीज़े हैं ना, जो भी हैं, प्लांटेशन है, कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है, मैन्युफैक्चरिंग का है, और जितने भी हैं ये सारे जो सेक्टर है ना ये सब ओपन किए गए हैं। सही है ना, सब वीज़े ओपन हो चुके हैं मलेशिया। मलेशिया का वीज़ा हासिल करने के लिए दो ही तरीके होते हैं, ठीक है ना, और ज़्यादातर बंदे इसी दो तरीक़ों में ही अपना वीज़ा हासिल करते हैं। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कुछ जानने वाला है जो मलेशिया में, दोस्त है, रिश्तेदार है, या गांव का, या कोई भी आपके जानने वाला है मलेशिया में, तो बेहतर है कि पहले आप उसके थ्रू वीज़ा लें। वो भी ज़ाहिर आप अपनी कंपनी में से वीज़ा निकलवा के देगा, लेकिन उस पर ट्रस्ट होगा, एतबार होगा, क्योंकि वो उस कंपनी में काम कर रहा होगा, ठीक है ना, और वो वहाँ आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा मिलने के। और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा तरीका एजेंट के थ्रू आपको वीज़ा मिलेगा। आपने एजेंट अच्छा ढूंढना है, बहुत सारे फ्रॉडी एजेंट भी हैं यार, मैं सबको नहीं कहता हूँ, बहुत सारे अच्छे एजेंट हैं जिनके थ्रू लोग आते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले आप जब अगर किसी एजेंसी के थ्रू आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपकी डॉक्टरी होती है मलेशिया के लिए। यहाँ एक मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ, बहुत सारे दोस्त बोल रहे होते हैं कि सर हमारा 3 महीने पहले एजेंट पैसे ले भी चुका है और अभी तक हमारा वीज़ा नहीं आया। तो भाई जब डॉक्टरी होगी आपका केस, जब आप मलेशिया इमिग्रेशन में आएगा, तो बहुत सारे दोस्त कमेंट्स में ये भी बताते हैं कि अभी तक हमारी डॉक्टरी नहीं हुई और एजेंट ने हमसे पैसे भी ले लिए हैं और बताया कि 1-2 महीने में आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता भाई, ये बात याद रखना, जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले डॉक्टरी होती है, और डॉक्टरी जब होती है ना तो एजेंट का एक कोड होता है मलेशिया के लिए, ठीक है, जो रजिस्टर्ड होते हैं ना, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जब भी आप डॉक्टरी करवाते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका डेटा यहाँ शो होता है, सही है कि नहीं। एजेंट है ना, मलेशिया उनको एक्सेप्ट करती है जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर जो रजिस्टर्ड हुए पड़े हैं मलेशिया के लिए, अपनी एजेंसी उन्होंने रजिस्टर्ड करवाई होती है, ठीक है ना। तो याद रखना, जब भी आप किसी एजेंट के थ्रू डॉक्टरी करवा रहे हैं तो उससे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मांग लें कि वो मलेशिया के लिए रजिस्टर्ड है भी कि नहीं, क्योंकि आप पैसे दे रही हैं तो आपको तो पता होना चाहिए ना कौन सा एजेंट है जिसके पास वीज़े होंगे। बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जिनके पास वीज़े नहीं होते, ठीक है ना, लेकिन वो सिर्फ लोगों से मतलब पैसे ले लेते हैं और उनको बोल देते हैं कि आपका केस शुरू है, और बहुत सारे पाकिस्तानियों को पता भी नहीं होता, ठीक है ना, कि यार वीज़े का प्रोसेस क्या होता है। कार्ड इमिग्रेशन मलेशिया में पहुंच जाता है, ठीक है ना, 1 दिन के बाद दूसरे दिन आपका जो वीज़े का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और अभी आपको पता है कि मलेशिया ने कॉलिंग वीज़े के लिए कानून थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है, पहले बहुत लंबा टाइम लेते थे, ठीक है ना। और यहाँ मैं एक आपको बात क्लियर कर दूँ, जो पुराना सिस्टम था उसमें ये होता था कि पेपर जमा होते थे, फिर 10 से 15 दिन 2 हफ्ते लग जाते थे, उनका केस इमिग्रेशन में सबमिट होता था, ठीक है ना, वो डॉक्यूमेंट यहाँ का जो एजेंट है वो लेके जाता था इमिग्रेशन में जमा करवाता था। अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, अभी सब ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने कर दिया है। अगर आपका जो पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश से जो बंदा आ रहा है उसका एजेंट जो वहाँ अपनी कंट्री में बैठा हुआ है वो ऑनलाइन सब पेपर देगा, पासपोर्ट जो कुछ जितना प्रोसेस होता है वो सब ऑनलाइन सबमिट होता है, ठीक है ना। और एक दिन, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे मलेशिया ई वीज़ा देता है ना, ई वीज़ा भी 2 किस्म के होते हैं, ठीक है ना, ई वीज़ा होता है एक विजिट वीज़ा, एक कॉलिंग वीज़ा, ठीक है ना। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि सर हम ई वीज़े पर आके काम कर सकते हैं, पहले तो ये मैं बता दूं कि ई वीज़ा जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है और 2 कैटेगरी का होता है, विजिट वीज़ा, कॉलिंग वीज़ा, ठीक है ना। बहुत सारे दोस्तों को पता भी नहीं होता, ठीक है ना, तो ये कंफ्यूज़ नहीं होना इस बात में, 2 कैटेगरी के वीज़े होते हैं, जो विजिट वीज़ा और कॉलिंग वीज़ा, ठीक है। और जब आपका यहाँ केस सबमिट होता है
एक या दो या तीन दिन में आपका कॉलिंग वीजा निकल आता है। मलेशिया ने अपने कानून इतना चेंज कर, अभी मलेशिया का वीजा लेना बहुत आसान हो गया है, ठीक है ना, इजी, जल्दी से आपका वीजा निकल आता है। जैसे विजिट वीजा निकलता है ना एक दिन में, उसी टाइम आप अप्लाई करते हैं तो आपका वीजा मतलब ऑनलाइन हो जाता है, आपका वीजा निकल आता है। तो ऐसा ही अभी इन्होंने रूल बना दिया है कॉलिंग वीजे का। लंबा सिस्टम अभी वो खत्म हो गया, एजेंटों वाला पेपर लें, पासपोर्ट लें, सब पेपर ले के इमिग्रेशन जाएं, जमा करवाएं, फिर नंबर का अपना इंतजार करें, ऐसा सीन इन्होंने खत्म कर दिया दोस्तों। अप्लाई करते हैं, अभी मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, वीज़े जो पहले मतलब जो पाकिस्तान से लोग आते थे दो दो तीन तीन चार चार महीने, ऐसा अभी सीन नहीं है, ठीक है ना। अभी बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो एक महीने तक है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ का आपका वीज़ा जो है वो ऑनलाइन शो हो जाता है, ठीक है ना। पाकिस्तान का प्रोसेस सिर्फ ये रह जाता है प्रोटेक्टर और टिकट, मतलब वो एक महीना कर दें, ठीक है ना, एक महीना डेढ़ महीने के अंदर अंदर आप मलेशिया आ सकते हैं, ठीक है। अभी जो रूल बन गया ना, अभी ऐसा, पहले तीन तीन चार चार महीने बैठे रहते थे लोग और वीज़े के इंतज़ार में होते थे, लेकिन अभी ऐसा सीन नहीं है, ये अभी सीन ख़त्म हो गया। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है अभी भी, दो तीन महीने हो गए अभी भी आपके केस में, तो समझ लेना आपके एजेंट के पास वीज़े नहीं है, ठीक है ना। जिस एजेंट के पास वीज़े होंगे वो इतना टाइम नहीं लेगा, ठीक है ना, वो आपका एक महीने के अंदर अंदर आपका काम करा के, आपका वीज़ा लगा के आपको मलेशिया भेज देगा, क्योंकि अभी रूल चेंज हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं बात आपको फिर एक बार क्लियर कर दूँ, जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जिस एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, सारे पैसे नहीं देने आपने, पहले कम से कम थोड़े पैसे दें, और जब आपका वीज़ा लग जाए, आपका प्रोटेक्टर टिकट हो जाए, उसके बाद आप पैसे सारे दें। पहले कभी भी पैसे अपने सारे मत देना, फिर बाद में आप बोलेंगे कि हमने पैसे भी सारे दे दिए, अभी तक हमारा वीज़ा नहीं निकला, क्या वजह है। तो कभी भी किसी एजेंसी वाले को, किसी एजेंट को भी अपने पूरे पैसे नहीं देना है कि मलेशिया में 1800 बेसिक हो चुकी है। सर ऐसा कोई सीन नहीं है, नई गवर्नमेंट आई है और उसका जो मलेशिया की आवाम है उनमें आपस में एग्रीमेंट हो रहा है, अभी तक ऐसा कोई क्लियर नहीं हुआ। अभी तक जो आपको मैं आज की डेट तक बता दूं तो मलेशिया की बेसिक 1500 है, ठीक है ना। 1800 का अभी तो बोलने से कुछ भी हो सकता है, मैं बोलूँगा 2000 है तो 2000 नहीं है, ठीक है ना। जो भी दोस्त मुझे बता रहे थे कि 1800 बेसिक हो गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी तक इनका कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ, और अगर कोई ऐसा मुआहदा होता है तो इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो में आप दोस्तों को ज़रूर बताऊँगा। अच्छा दोस्तों, दूसरी बात मैं आपसे ये करने लगा हूँ कि अभी जो रिहेयरिंग का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो मुझे दो दिन हुए हैं, एक दोस्त ने मुझे बताया है कि सर मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया है, क्योंकि मैंने अपना रिहेयरिंग प्रोग्राम के लिए अपना वीज़ा और पासपोर्ट दिया हुआ था, और उसमें एजेंट ने मुझसे तकरीबन 4000 रिंगेट पहले ले लिया था और पासपोर्ट भी ले लिया था, और उन्होंने मुझे एक महीने का टाइम दिया है, तो वो बोलता है कि एक महीने से ऊपर टाइम हो गया है, और अभी मैं उस बंदे से कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ तो उसका नंबर पावर ऑफ जा रहा है। तो मैंने उस भाई से पूछा है कि आप उसको जानते थे या नहीं जानते थे, या किसके थ्रू आपने, तो उस भाई ने बोला था मेरा उसके साथ टिकटॉक पे रابطہ हुआ था। तो आप दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप मलेशिया में हैं या विजिट वीज़े पे जो आ रहे थे, जो जिन्होंने सोचा था कि हम वहाँ जाके विजिट वीज़े पे अपना जो रिहेयरिंग का प्रोग्राम है फिंगरप्रिंट करवा लेंगे, तो यार टिकटॉक पे और जो सोशल मीडिया के दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, एतबार मत करें ऐसे, जिसको जो आप जानते नहीं हैं उसको पैसे पासपोर्ट मत दें। अभी इस भाई ने पासपोर्ट और पैसे दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अभी इसको मिलेंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी वो आदमी कौन था, क्या कहाँ काम करता था, ये उस भाई को पता नहीं था। उसने भाई ने बोला कि टिकटॉक पे उसका नंबर आ रहा था, वो बोल रहा था अगर कोई भाई मुझसे प्रोग्राम मतलब कोई वीज़ा लगवाना चाहता है तो मुझसे रابطہ करे। इस भाई ने बोला मैं मुलाकात की है मेरी उससे, हुई है बातें, सारी हुई थी, सारा एग्रीमेंट हुआ था उससे, लेकिन अब वो बंदा ना मिल रहा है ना उसका कॉन्टैक्ट हो रहा है मुझसे। तो दोस्तों अगर आप मलेशिया में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं रिहेयरिंग प्रोग्राम में, अगर फिंगरप्रिंट के प्रोग्राम में आप वीज़ा ले रहे हैं, तो एहतियात करें, ऐसे आदमी पे ट्रस्ट मत करें जिसको आप जानते नहीं हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान की निस्बत मलेशिया में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, जैसे हम बोलते हैं पाकिस्तान में एजेंट बहुत होते हैं वो फ्रॉड कर गए हैं, यार पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ फ्रॉड होता है मलेशिया में, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। बहुत सारे दोस्तों के साथ फ्रॉड हो चुका है जो सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बोलते हैं ना 80% एजेंट वहाँ फ्रॉड करें, तो 100% यहाँ मलेशिया में भी फ्रॉड हो रहा है, सही है ना। तो ये थोड़ा एहतियात करें इस चीज़। दोस्तों आपको आसान तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैं मलेशिया में होता हूँ और यहाँ का जो आसान तरीका है वो आपको मैं बता देता हूँ, फिंगरप्रिंट आपने कैसे करवानी है। अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, इससे आसान और काम नहीं हो सकता, इससे आसान और फिंगरप्रिंट नहीं हो सकते, आपका वीज़ा नहीं लग सकता। अगर आप एजेंट के थ्रू लगवाएंगे तो वो 100% महंगा आपको वीज़ा मिलेगा।
जिस कंपनी में जहां आप काम कर रहे हैं वहां उस बॉस के साथ फेस टू फेस बात करें और उससे उस कंपनी में अपना वीज़ा लगवाएं। एक तो आपको ट्रस्ट होगा कि वो कंपनी कैसी है, तनख्वाह बाकायदा दे रही है कि नहीं दे रही, कितनी सैलरी है, सारा आपको ये चीज़ पता होगी। जहां आप काम कर रहे हैं ना, मलेशिया में जहां भी आप काम कर रहे हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा उस कंपनी में आप वीज़ा अप्लाई करें, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे होंगे वहाँ उसकी फ़ीस भी थोड़ी होगी। बहुत सारे अच्छे बॉस भी हैं जो पैसे मतलब खुद दे देते हैं और फिर आपकी तनख्वाह में से काटते रहते हैं। लेकिन अगर आप कंपनी लाइन में किसी ऐसे जॉब में काम कर रहे हैं तो वो सबसे सस्ता वीज़ा आपको मिलेगा। कंस्ट्रक्शन का भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो अच्छे बॉस, अच्छी कंपनी में जहाँ काम करें उस बॉस के थ्रू आप वीज़ा लगवा सकते हैं, ना कि आप एजेंट से रابطہ करें या एजेंट के थ्रू वीज़ा लगवाएं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी और मालूमात मैं आप दोस्तों तक लेके आता रहूं। तो मिलते हैं एक नए दिन नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।